देखिए बस बिजनेस से रिलेटेड इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत से वीडियोस अपलोडेड हैं, पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में बस का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। नमस्कार, हम अवधेश साहू आज के शानदार वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, ज़्यादातर वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि एक बस के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही ये भी बता चुके हैं कि एक सही रूट तथा भीड़भाड़ वाली रूट का निर्धारण आपको मालामाल बना सकता है। लेकिन इन तमाम सवालों को हम साइड में करते हुए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पूंजी पर चर्चा करेंगे कि आपके पास पूंजी है तो कैसे शुरू करें, और पूंजी नहीं भी है तो बस का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, तथा परमिट कहां और कैसे मिलेगा, तथा इसके बाद हम बात करेंगे कि इन सभी करने के बाद बस के बिजनेस से कितनी कमाई हो जाती है। इन तमाम सवालों पर आइए हम चर्चा करते हैं। बस बिजनेस को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे पूंजी की, कि पूंजी है तो कैसे शुरू करें, और पूंजी नहीं है तो कहां से इकट्ठा करके शुरू करें। देखिए, बस बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, बस बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर 2024 की हम बात करें तो आपको साफ साफ बता दें कि बस बिजनेस को शुरू करने के लिए 40-50 लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सकता है। साथ ही मैं अगर आपको बता दूं कि इतनी आपके पास पूंजी इकट्ठा है तो आपको बधाई हो, आप बस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपके पास इतनी पूंजी नहीं है, कम पूंजी है, या तो नहीं के बराबर पूंजी है, तो लोन लेकर बिजनेस शुरू करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप लोन कहां पर लेंगे, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगातार सब्सिडी वाला बिजनेस लोन का जो है स्कीम चलाए जा रहे हैं, इस पर आप लोन लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक लोन का जिक्र करेंगे हम, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, इससे भी आप लोन लेकर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे परमिट पर, कि परमिट कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, कितनी लागत आएगी, कितनी खर्च आएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि परमिट जो मिलेगा वो परिवहन विभाग में मिलेगा, RTO ऑफिस में मिलेगा। परिवहन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा, लेकिन इससे पहले आप कैसे मिलेगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि परमिट के बिना आप बस खरीद तो सकते हैं पर चलवा नहीं सकते हैं। आखिर साफ साफ शब्दों में कहें तो आप बस का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बस बिजनेस को करने के लिए आपके पास परमिट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। परमिट के बिना आप बस बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हैं। देखिए, परमिट लेने के लिए सबसे पहले आपको एक रूट का फिक्स करना होगा कि किस रूट में आप बस चलवाना चाहते हैं। इसके बाद आपको ये भी तय करना होगा कि पता करना होगा कि किस समय एक भी बसें नहीं चल रही हैं, ना आगे चल रही है ना पीछे चल रही हैं। आपके जो बस का जो समय निर्धारण कर रहे हैं उस समय से आधा घंटा, एक घंटा पहले, आधा घंटा, एक घंटा बाद एक भी बसें आना जाना नहीं कर रही हैं। ऐसा समय अगर आप तय कर लेते हैं, खोज लेते हैं, तो फिर अब बात आती है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। आइए हम जानते हैं कि परमिट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, PVC सर्टिफिकेट तथा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कॉपी आपको यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही जो अप्लाई करने वाला कैंडिडेट है उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड तथा और भी परिचय पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी आप समय फिक्स करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं, उस रूट पर चलने वाली लगभग पीछे और आगे के बसों से आपको NOC लेने होंगे। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहां करना होगा, देखिए, अप्लाई आपको परिवहन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेना है, और वहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं पेन एंड पेपर मोड में, तो आप RTO ऑफिस में विजिट कीजिए और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सफलतापूर्वक अप्लाई कर देते हैं, आवेदन कर देते हैं, उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए RTO ऑफिस में बुलाया जाता है, परिवहन विभाग में बुलाया जाता है। उसके बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सही पाए जाने पर आपको परमिट दे दिया जाता है। जी, रूट, परमिट कैसे मिलेगा, इन तमाम सवालों को जानने के बाद अब हम अंततम सवाल पर पहुंच चुके हैं कि बस के बिजनेस को शुरू करने के बाद कितनी कमाई हो सकती है। देखिए, कमाई फिक्स नहीं है, साफ साफ शब्दों में ये भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, कमाई बहुत है। देखिए, आपका जो रूट भीड़ भाड़ वाली है, एक सही रूट का निर्धारण करते हैं तो यहाँ पर आपको महीने के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। देखिए, बस बिजनेस में होने वाली कमाई पर मैं बहुत ही जल्द संपूर्ण जानकारी कैश स्टडी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ और आप तक पहुँचाने वाला हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, तथा अंत तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।